नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। एक बार एक मारवाड़ी सज्जन गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। वे गांधी जी से बोले, आपके नाम से तो गांधी टोपी चलती है और आपका सिर नंगा है, ऐसा क्यों? इस पर गांधी जी ने हंस कर जवाब दिया, 20 आदमियों की टोपी का कपड़ा तो आपने अपने सिर पर बांध रखा है, तब 19 आदमी टोपी कहाँ से पहनेंगे? उन्हीं 19 में से मैं एक हूँ। गांधी जी की बात सुनकर उस मारवाड़ी सज्जन ने शर्म से अपना सिर झुका। एक बार महात्मा गांधी सन 1921 में खंडवा गए। वहां लोगों को स्वदेशी का संदेश, यानी अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का त्याग करने को कह रहे थे। वहां उनकी सभा में चमकीले कपड़े पहने हुए कुछ बालिकाओं ने स्वागत गीत गाया। उसके बाद वहाँ उपस्थित स्थानीय नेताओं ने गांधी जी को भरोसा दिलाया कि वे हर तरह से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करेंगे। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा, मुझे अब भी सिर्फ भरोसा ही दिलाया जा रहा है, जबकि यहाँ गीत गाने वाली बालिकाओं ने किनारी कोटे वाले विदेशी कपड़े पहन रखे हैं। मुझे तो स्वदेशी प्रचार खादी के बारे में दृढ़ निश्चय चाहिए। यह सन 1929 की बात है। गांधी जी भोपाल गए। वहाँ की जनसभा में उन्होंने समझाया, मैं जब कहता हूँ कि रामराज आना चाहिए तो उसका मतलब क्या है? रामराज का मतलब हिंदू राज नहीं है, रामराज से मेरा मतलब है ईश्वर का राज। मेरे लिए तो सत्य और सत्य कार्य ही ईश्वर है। प्राचीन रामराज का आदर्श प्रजातंत्र के आदर्शों से बहुत कुछ मिलता जुलता है, और कहा गया है रामराज में दरिद्र व्यक्ति भी कम खर्च में और थोड़े समय में न्याय प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कहा गया है कि रामराज में एक कुत्ता भी न्याय प्राप्त कर सकता था। यह घटना 25 नवंबर 1933 की है, जब गांधी जी रायपुर से बिलासपुर जा रहे थे। रास्ते में अनेक गांवों में उनका स्वागत हुआ, किंतु एक जगह लगभग 80 साल की एक दलित बुढ़िया सड़क के बीच में खड़ी हो गई और रोने लगी। उसके हाथों में फूलों की माला थी। उसे देखकर गांधी जी ने कार रुकवाई। लोगों ने बुढ़िया से पूछा, वह क्यों खड़ी है? बुढ़िया बोली, मैं मरने से पहले गांधी जी के चरण धोकर यह फूल माला चढ़ाना चाहती हूँ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। गांधी जी ने कहा, मुझे एक रुपया दो तो मैं पैर धुलवाऊं। गरीब बुढ़िया के पास रुपया कहाँ था, फिर भी वह बोली, अच्छा मैं घर जाकर रुपया ले आती हूँ। शायद घर से निकल आए, पर गांधी जी तो रुकने वाले ना थे। बुढ़िया एकदम निराश हो गई। उसकी पीड़ा के आगे गांधी जी को झुकना पड़ा और उन्होंने पांव धुलवाना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया ने बड़ी श्रद्धा से गांधी जी के पांव धोए और फूलमाला चढ़ाई। उस समय उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे अमूल्य संपत्ति प्राप्त हो गई हो।